responde con estiate. सब देखिए हिंदुस्तानी जो जो खाना आप घर पे खाते हैं क्या मसालेदार होता है? नहीं, हिंदुस्तानी खाना मसालेदार नहीं, बस सिर्फ एज अ शेफ और मैं यहाँ बोलूँगा हम शेफ्स कल्प्रिट इंटिमिडेशन गेम. हमने हमारे पास कुछ जब शुरू शुरू में हम आजाद थे कुछ कहने को नहीं पता. हमने कहा चलिए हिंदुस्तानी खाने को कैसे अलग करें. बोले जी ये दाल 24 घंटे पकती है, मसाले पत्ते इस तरह के होते हैं. सो असल में हिंदुस्तानी खाना वो है जो घरों में बनता है और 85% से भी ज्यादा रेसिपीज हिंदुस्तान के घरों में. हिंदुस्तान में 1.5 लाख के ऊपर रिकॉर्डेड रेसिपीज है, उसमें तो 85% से ज्यादा घरों में बनता है और वो मसालेदार नहीं. सिर्फ इस जो ये इट्स अबाउट ये जो मिथ है इससे अवगत कराने की जरूरत. आई थिंक इट्स वो उसके लिए हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ रेस्टोरेंट का खाना हिंदुस्तानी खाना नहीं. हिंदुस्तानी खाना वो भी है, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, जो घरों में बनता है वो भी हिंदुस्तानी खाना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सप्लेन दैट. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्पाइसेस. जब जब आयुर्वेद के साथ खाने को जोड़ा गया, सॉरी आपका सवाल मेरे को आपने ट्रिगर ऑन रखा. जब आयुर्वेद के साथ खाने को जोड़ा गया तो मसालों का जो इस्तेमाल था वो जायके के लिए नहीं, मसालों का इस्तेमाल था असर के, तासीर के लिए, उनकी बॉडी पर होने वाले इफेक्ट्स के. तो मसाले हमारे खाने में खूबियों की वजह से पड़ते हैं, स्वाद जायके की वजह से नहीं पड़ते. पर समय के साथ हम भी वो भूल गए. तो अजब इंपॉर्टेंट इज फॉर अस टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस इन आवर लाइफ. देयर इज अ रीजन व्हाई साउदी फूड इज सो स्पाइसी. इन द नागपुर हीट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ यू डोंट स्पाइस. सो हर मसाले का एक कारण है और हमको सिर्फ पहले खुद अवगत होना है कि पहली चीज हमारा खाना स्पाइसी नहीं, दूसरी चीज अगर स्पाइसी है तो स्पाइस का जो 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 इस्तेमाल है वो शरीर में किसी कारण से. और अगर आप वो चीज किसी को भी समझाएं तो वो समझ जाए. यामी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गो विद यू आई एम एन इंडियन गर्ल आई नीड माय आई डोंट नो व्हाट टू थिंक बट एज इफ आई नो व्हाट यू मीन. यस दैट्स व्हाई वी हैव टू से बिकॉज़ मुझे मेरा ऑनेस्टली सीधी सी फिलॉसफी जो व्हिच आई बिलीव इन वी गेट लाइफ जस्ट वंस एज एनी ह्यूमन बीइंग. You need to enjoy everything, you know, and food is a very important part of our culture. So, उसमें fried food, of course, मतलब जहाँ तक taste की बात होती है या एक कोई celebration की बात होती है, it's very difficult, you know, to not have certain type of foods in your choices or your menu or the kind of sometimes, you know, the lifestyle. But I think that's why I said, thank God we're living in this time age that yes, we do as an actor, I do have to take lots of things in terms of fitness. But having said that, I need not compromise also on my taste. First thing, because I have to endorse it, because I'm here sitting here, I have to talk about it. Generally, because मैंने सबको देख लिया, आपने कॉल कर ऐसे गया. नेक्स्ट इवेंट पे आपसे मिलूंगा. I'm just talking to somebody. वेरी गुड रणवीर. अभी हमने बहुत फ्राइड आइटम खाए, घी कम तेल कम का एक महीना भी खा. उसमें क्रीम बहुत ही क्रीम कितना नुकसान करती है कंपैरेटिवली. एक तरफ हम कम ऑयल यूज कर रहे हैं, क्रीम का क्या रोल है? सर हर चीज आई थिंक इन लाइफ एंड एवरीथिंग दैट इज इन मॉडरेशन इज ऑलवेज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब अगर अब वो जमाना नहीं रहा कि हम घी के छल्ले पी सकते हैं जैसे हम पहले, क्योंकि वो पंजाबी में हम आपने पंजाबी सुनोगे तो पंजाबी में ना वो गल्ला नहीं रही है, अब वो बातें नहीं रही. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लिविंग एंड ईटिंग इन मॉडरेशन ऑलवेज इज डिप्राइविंग योरसेल्फ ऑफ समथिंग नेवर. इफ यू वांट टू हैव द विक्ट्री यू रिमेंबर इट्स योर पैलेट दैट वांट्स टू हैव द विक्ट्री नॉट योर स्टमक. सो डोंट फिल अप योर स्टमक विद द विक्ट्री. हैव अ स्पूनफुल ऑफ इट, टेस्ट इट, that usually works. It has worked for me so far.
exactly. But we, you know, we work here, we work in Bombay, away from our families, as I said, my Chandigarh said. So your people are so much working, that they will be your family. So I think when it comes to family, to have food together is a very important part of our culture. And when I came home, and I was really excited. And thank God for Jala, because we already gone through that. So I learned my lessons never ever to leave kitchen. So we all enjoyed our pasta and then some coffee and Bajra Masala. So they always like that. It's just a small part. Actually, Yami, you can make some amazing lasagna here. Your backstage at the Yeah? Okay. Please, Haan, thank you. Sorry, we missed. Madam, after last question. Now the stamp. Thank you so much. Lastly, ladies and gentlemen, I have anchored a lot of launches for different events. Kalina. Cars, bikes. This has been the longest question and answer round. It's because we, I think, there's a passion that commonly bites on food. We can just continue. That's why we're a very lucky country, such a diverse, so much diversity, even in food. You can taste different cuisines. And of course, जहाँ तक Indian north की बात आए, मैं Himachal से हूँ, मैं Chandigarh रह चुकी हूँ, so I have a fine fusion of Pahari and Punjabi food, which is yum.
यामी पे बात करें, जब आपकी पहली मूवी थी विकी डोनर, उसके दौरान क्या आपने कुछ डाइट कंट्रोल सजेस्ट किया था आपने, मतलब अपने आप को कंट्रोल किया था जस्ट टू गेट इन द शेप, और या उस कैरेक्टर के लिए आपने कुछ ऐसी तैयारी की थी, डाइट कैसे कोई ऑल्टरेशन किया था? मुझे एक सवाल पूछते हैं क्योंकि पता नहीं, ऐसा नहीं, आई थिंक आई कम फ्रॉम अ फैमिली एंड आई फील हर किसी का अपना एक बॉडी टाइप है. You need to understand your body really well, and I feel sab kuch khana chahiye. You should, as he said, you should. I think moderation is good to have everything controlled. Main sab kuch khati hu, but I think there has to be proper time. Kis time pe kya khana hai, and not to overindulge in anything. Vicky Donner ne apne kuch cheezon mein control kiya. Boom, please, boom, please, boom. Boom, hum chalo. Boom, 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 boom. Pehli film. Yami, kaun se chef ko sabse zyada manti hai India ke? Jo bhi aapne aaj tak TV par dekhi. उनका शो खाना खजाना देखते थे, एंड आई स्वेयर आई यूज़ टू फील, आई यूज़ टू विश, और आई विश माय पापा वाज़ सेइंग. आपने सबसे पहली डिश कौन सी बनाई थी जब आपने ट्राई किया था? मैंने केक बनाया था. यामी जी, जैसे अभी फिल्मी दुनिया में सलमान खान हैज बीन, ही स्टार्टेड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो फिटनेस, एंड आई थिंक ही कंटिन्यूज इट टिल डेट, व्हिच इज फिनोमिनल, बिकॉज़ मैं एक न्यू कमर हूँ और मुझे समझ में आता है कि सो ये तो आप बात करेंगे ना मैं. ओके, तो हमें सॉरी, मुझे समझ में आता है दैट स्पेशली जब आप आउटडोर शूट करते हो, जैसे जैसे बिजी होते रहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है टू मेंटेन a certain regime, but I think we have inspirations like Salman, we have Akshay, we have so many actresses who, and isme khana bahut zaruri ho jata hai, jahan pe again you have something like Felix Air Fryer where it's portable also, so main se carry bhi kar sakti hu apne sath, if I want to have fried food I have to pack a bag and just make it in about like 10 minutes, so it's easy. Yami, sir aap to bilkul into hi yahan hai, kya chahta hu, kaun si film aapko Salman ki sabse, meri pehli picture jo maine sabse pehle dekhi thi was Maine Pyar Kiya, so it has to be. आप किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रही हैं तो आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं, क्योंकि आजकल लोग प्रोडक्ट अगर इंडोर्स करते हैं तो काफ़ी पब्लिक ये जानना चाहती है कि कहीं कोई उससे गलती तो ना हो जाए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए. यस, आई अंडरस्टैंड बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ पब्लिक फिगर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट आई नो आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनीथिंग व्हिच इज हार्मफुल. आई एम इंडोर्सिंग समथिंग आई हैव, एटलीस्ट द ब्रांड्स दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद आर द ब्रांड्स हू हैव अ सर्टेन क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. And of course, aaj bhi, for example, I mean, Philips talking about their products, I think they've been for years. Jahan tak ki, to jo aap pooch rahe hain, wo, dekhiye, hum log actors and magicians nahi hain. It's not possible for me. It's not possible. It's not possible being an actor ki aap jahan tak ki manufacturer ki baat karein wo ek ek cheez supervise karna, that's very difficult, that's physically impractical, not just for any actor or anybody who is the face of it to make sure to ensure that happens. So aapke kaun kaun se parameters hain jin pe aap dekhte hain? I think pehla ki brand kya hai wo bahut zaruri hai, what is the brand, and uski credibility kya hai, uski gir gaya wo uski credibility kya, uski aapne yaar question kar diya, kya kya parameters hain? Parameters ye hote hain ki pehli baar aapko dekhna, of course brand kya hai, to make sure it's not unhealthy for anybody, to make sure it's not carcinogenic for anybody. Then secondly, to make sure its credibility kya hai market mein, ki already established brand hai, kya naya brand aa raha hai. Of course, I'm sure koi naya brand aata hai, aise nahi launch ho jata, uske piche ek standards hote hain, ek organization hoti hai jo se approve karti hai. So wo is the issue se dhyan mein rakhna, I think they're very important. Thank you.